दोस्तों आज की कहानी है माँ आप भाभी की सासू माँ नहीं बल्कि माँ बनकर रहो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ कैसी हो? घुटने के दर्द में अब आराम मिला क्या? और भाभी कैसी हैं? संजना ने अपनी माँ कौशल्या देवी से फोन पर पूछा। हाँ बेटा बढ़िया हूँ, दर्द में आराम तो मिलते से ही मिलेगा और तेरी भाभी बढ़िया ही है, उसे कहाँ कोई दिक्कत देती हूँ मैं। ऐसे क्यों कह रहे हो माँ, कोई बात हुई क्या? अब तुझे क्या बताऊँ बेटा, तुझसे क्या छुपा है? 5 महीने होने को आए बेटे विवेक की शादी को हुए। 5 महीनों में तो घर की बहुएं काम काज के तरीके सीख ही जाती हैं, लेकिन तेरी भाभी स्वाति क्या बताओ अभी भी एक एक चीज समझानी ही पड़ती है। ओहो माँ, मैंने तो आपसे तबीयत पूछने को फोन किया था, आपने तो भाभी का बुराई पुराण चालू कर दिया। अरे वह बात नहीं है, मैं कोई उसकी बुराई थोड़ी ना कर रही हूँ, लेकिन घर के तौर तरीके तो उसको सीखने ही पड़ेंगे ना। आज सुबह ही देख मेरे लिए फिर से मीठी साई बना दी। अब जब साई जूठी कर लेती हूँ उसके बाद फेंकने से क्या मतलब, मिट्टी ही पीनी पड़ जाती है। मुझे तो पता ही है, डॉक्टर ने मुझे मिट्टी साई के लिए मना कर रखा है। सुबह विवेक को ऑफिस में सफेद कमीज पहन के जाने थी, लेकिन कल प्रेस वाले को वह फोन करना ही भूल गई और उसकी कमीज तैयार ही नहीं थी। सुबह सुबह विवेक को गुस्सा आ गया, स्वाति को बोला तो बोली भूल गई। और भी क्या क्या बताऊं, किससे ही बहुत है सल सूर, वो सब बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ आए। 2 दिन के लिए ही कार्यक्रम बना ले और आजा बच्चों के साथ, ठीक है? इस सप्ताह के अंत में देखती हूँ। संजना का ससुराल दूसरे शहर में था, इसलिए अपने भैया भाभी की शादी के 2 दिन बाद ही वह वापस अपने ससुराल चले गई। अपनी भाभी से ज्यादा मिलने का उसे मौका मिला नहीं। जब भी अपनी मम्मी से भाभी के बारे में बात करती तो मम्मी के पास भाभी का केवल शिकायतों का पिटारा ही होता। शनिवार का दिन आ गया और संजना अपने पिहर में आ गई। ननद के आते ही स्वाति ने उसकी आव भगत में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। कौशल्या देवी ने संजना के आने से पहले स्वाति को बहुत सी हिदायत दे दी थी। संजना और उसके बच्चे
बच्चों की पसंद ना पसंद की सूची अच्छे से स्वाति के दिमाग में डाल दी थी, इसलिए अपनी ननद के आने पर स्वाति उसका बढ़िया से बढ़िया ध्यान रखने की कोशिश में लगी हुई थी। स्वाति से कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए कौशल्या देवी हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे कोई ना कोई हिदायत याद दिला ही रही थी। संजना को महसूस हो रहा था कि कौशल्या देवी के इस व्यवहार से स्वाति बहुत असहज महसूस कर रही थी। स्वाति सहकर भी संजना और सास के पास बैठकर दो बात करने का नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि कौशल्या देवी की हर बात में डांट डपट उसको रिश्तों के अपने पंच दूर कर रही थी। माँ कितना टोकोगी भाभी को, वह कर रही है ना। अरे तुझे नहीं पता संजना, अगर मैंने नहीं याद दिलाया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएगी। तो क्या हो गया माँ, घर की बेटी ही तो हूँ मैं, क्यों भाभी को इतना परफेक्ट बनाने में लगे हुए हो। इतने में संजना की बेटी की कियारा उसके पास आई। मम्मा दूध पीना है, बेटा मामी रसोई में है, उनसे कह दो वह किसी से फोन पर बात कर रही है। आप बना दो, मुझे भूख लग रही है। संजना रसोई में गई और बेटी के लिए दूध बनाकर वापिस अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। देखा तूने फोन दिन भर ही सलता रहता है, पता नहीं किस से फोन पर बातें करती रहती है, बातें ही खत्म नहीं होती इसकी तो। माँ नई नई शादी हुई है, पिहर वालों से भी तो बात करनी होती होगी। क्या गया मेरी शादी के बाद मैं भी तो आपको कितने फोन मिलाती थी, भूल गए आप कैसे पल पल की खबर लेने के लिए आप बेसैन रहते थे। दिन का समय हुआ और स्वाति कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गई। स्वाति के जाते ही कौशल्या देवी ने एक बार फिर कहना चालू कर दिया, पता है रोज सुबह मैं पहले रसोई में पहुंच जाती हूँ, तेरे पापा को भी साय मैं ही बना कर पिलाती हूँ। स्वाति तो रोज रसोई में थोड़ा देर से ही आती हैं, फिर दिन में भी इसको सोने की आदत है ही, अभी भी रसोई में सब्जियां बनाती हैं तो मुझे संभालना ही पड़ता है। सब्जी सही नहीं बने तो तेरे पापा मुझसे ही शिकायत करते हैं। स्वाति को तो क्या बोलेंगे, पेहर से तो जहादा कोई काम सीख कर आई नहीं, अब पहले तो सारा काम करना सिखाओ, मुझे तो सास बनने का सुख मिला ही नहीं।
तुझे पता है शर्मिला सासी की बहू आते ही पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। शर्मिला सासी को तो कोई काम संभालना ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरे नसीब में वह सुख कहाँ है। ओह माँ, अब तो बस करो, फोन पर भी स्वाति भाभी की ही बातें करती रहती हो। आई हूँ जब से भाभी की ही शिकायतें लगा रखी हैं, मैं भी देख रही हूँ भाभी इतनी भी कोई कमी नहीं छोड़ती। जितनी आप कह रही हो तू तो तेरी भाभी की तरफदारी कर रही है, माँ ने रूठते हुए कहा। तो क्या करूं मम्मी, आपके साथ बुराई करके आपका घर बिगाड़ दूं मैं साहू तो आपकी बातों में अभी नमक मिर्ची लगा कर भाभी के खिलाफ आपको भड़का सकती हूँ, फिर क्या होगा उन बातों से। यही तो गलती कर रही है आप कि आपको सास बनना है, माँ बनकर क्यों नहीं रहती हो, ऐसा क्यों नहीं सोचती हो। एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आई है, काम तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आता था मम्मी, लेकिन मेरी सास ने हमेशा प्यार और अपने पन से ही मुझे सारे काम सिखाए हैं। दिन में सोना या सुबह थोड़ी देर से उठकर आना, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो वक्त रहते औरतें अपने आप बदल लेती हैं। जहाँ तक सब्जी में ध्यान रखने की बात है, या सुबह पापा के लिए चाय बनाने की बात है, तो इसमें गलत ही क्या है। अच्छा है ना, आपकी भी रसोई में काम करने की आदत बनी रहेगी। अधिकतर औरतें यही गलती करती हैं, बहू के आते ही सास बनने की कोशिश में लगी रहती हैं। माँ बनकर ही रहो ना, तो उस आने वाली लड़की से भी शिकायत नहीं रहेगी। कोई जल्दी तो कोई देर से घर के तौर तरीके सीख ही जाती है। जब तक आप स्वाति भाभी को उनकी कमियों के साथ नहीं स्वीकारोगे, तब तक आपको वह कभी कोई सुख प्रदान करने वाली नहीं लगेगी। शादी से पहले याद है मैं भी कितनी गलतियां करती थी, क्या आपने मेरी बात कभी किसी और से करके मेरी मजाक उड़ाई। तो फिर भाभी को वह अपनापन देने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है। मुझसे या किसी और से भाभी की शिकायत करने से वह नहीं सीखेगी, समझी मेरी प्यारी माँ। हाँ हाँ समझ गई दादी अम्मा, सोचा था तेरे से मन की दो बातें करके मन हल्का करूँगी, लेकिन तू तो मुझे ही समझाने चली। हाँ तो मैं उन ननदों में से नहीं हूँ जो अपने भैया भाभी की गृहस्थी में आग लगाने का काम
करे, मैं तो सहाती हूँ। आप समझ से अपने परिवार को संभालो और भाभी को एक बेटी समझकर प्यार और अपनापन दो। विश्वास रखो माँ, वह भी इस घर में जल्दी ही ढल जाएगी। कौशल्या देवी संजना को देखकर यही सोचने लगी, कब मेरी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि वह मुझे ही समझा रही है। सही भी तो है, अगर माँ बन कर रहूं और स्वाति को अपनी बेटी मानूं तो मेरी भी शिकायतें खत्म हो जाएगी। दोस्तों, काश सभी बेटियां ऐसे ही अपनी माँ को समझा दे तो बहुत से घर बिगड़ने से बच जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।